आज के दिन युवा राष्ट्र सभा में काफी सारे यूथ ने ज्वाइन किया। पहले तो प्रधान जो है विक्की जी, मैं विक्की जी एक युवा जो है वो आप लोगों के साथ जुड़ रहा है, देख के कैसा लग रहा है कि युवा एक के बाद एक जुटता जा रहे हैं? सब तो पहला मैं मुबारकबाद दें सारे जम्मू वासी तुंदे मीडिया वाले भी, क्योंकि तुंदी है बुलंद आवाज की वजह कन्नै अस इत्थे पुज्जे दे आ। और अज जिहड़ी युवा रायपुर दा संगठन है नंबर वन संगठन बने दा, अस सारे मीडिया साथियों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने कि साड़ी आवाज हमेशा बुलंद रखी है ने। और ये आखने कि अस एक कोशिश की दी है, एक जरिया बने दे आ, और युवा रायपुर सभा अज उस बुलंदी पर है कि अस लोकें असेंगी आईकॉन साढ़े जो सारी कोर कमेटी है इन्हें असेंगी प्रमोट किया, असें अगे आंदा हा। इंदे चेहरे अज तक लोगों में नहीं आए रहे हैं, लेकिन अस सारे चेहरे लोगों चमक हैं। वो इनकी वजह है कि जो सारी कोर कमेटी साड़ी सीनियर मैंबर जो सारे खड़ोते हैं इन्हें लोगों असें प्रमोट करिए अगे आंदा हा। अज अस लोगों में चेहरे बने हैं, अस भी ये चाहते हैं कि अज अस अगर इस काबिल बने तो अस भी चार बूटे ऐसे लाइए कि जोड़ा आने वाला समय हो वह इंदे चेहरे चमकन, और आने वाले साढ़े बच्चा इंदे बच्चा कोई प्रधान बनना, कोई वाइस प्रधान बनना, कोई चेयरमैन बनना, अस ये आखिए कि इंदे बच्चा का जोड़ा यूथ है ये सारा बढ़ चढ़िया गैस है। और सारे से खास कर यही आखिए सारी सभा च एक चीज की क्वालिटी है कि सारा कोई भी बच्चा नशे वाली बखी नहीं है। प्रधान साहब अस देखिए कि भाई हुण 23 दिसंबर भी आने वाला है, के तैयारी चला दी है ते कोई जे ओदे तो पहले प्रोग्राम आने वाले आला है तो फिर ओदे बारे भी असें दसो। देखो अस एक कोशिश की दी है जियां हर साल की तरह, जियां पिछले 10-12 साल दा अस एक रैली दा आयोजन करने हुंदे महाराज साहब दे दिन, तो वो रैली इस बारी भी बड़ी चढ़िया निकलनी है। और उसी अस एक फेस्टिवल मनने हुंदे और मतलब मेले के रूप कटने हस्ते गाते नचते ढोल बजाते आने बन तला तो MD सार को पता गया इस बार भी उ चला दा। और एक कोशिश साड़ी है कि 22 तरीक का अस एक ध्याड़ा जोड़ा अस कोशिश करा कि असेंगी वो टाइम मिली आ महाराज स्टैचू पर डोगरी कल्चर प्रोग्राम कराने का, अस जो साढ़े महाराज साहब की जी गाथाएं जो अस गाथाएं लोगों की सुनाइए, जो उन्होंने कार्य किए हैं वो लोगों की सुनाइए। तो वे डोगरी सिंगर और जो सा डोगरी लोग जोड़े उन्हें हिस्टरी के बारे में कुछ सुनाना चाहते हैं, वह भी चाहते हैं कोशिश की थी अहें अगर अगर ये 22 तरीक का असें समय मिली आ तो अस कोशिश करिए कि वो सारे लोग उत्थे बड़ी चढ़िया हिस्सा लैन। और अस राज परिवार भी आखे अगर कोशिश करने तो वह भी अहें इतने बड़ी चढ़िया हिस्सा दवाई सकते हैं, तो उन्हें भी आखिर एक रिक्वेस्ट करके उन्हें कि 22 तरीक का ध्याड़ा जोड़ा अं मनाने का मौका मिला, क्योंकि इस वे इलेक्शन का दौर भी चला रहा है तो अस जरा खास करके अज इलेक्शन लड़ा रहे हैं या इस धरती पर खड़ोते हैं तो यह सब महाराज साहब हुंदी देन है। अज जिस ध्वज के थला अज अपने आप की हिंदुस्तानी आखने होंने वो महाराजा हरि सिंह हुंदी देन है। तो अस ये आखने कि उन्दे जिहड़ा 23 सितंबर वाला ध्याड़ा है वो सारे लोग बड़ी चढ़िया मनाना चाहिए, खास करके यूथ की आगे यूथ की उस दिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यूथ बड़ी चढ़िया सारे निकले। और अस हर एक कम्युनिटी की ये इनवाइट करते हैं क्योंकि राजा खाली राजपूतें का नहीं, हाँ सारे डुगर समाज का हा, और सारे डुगर समाज की उन्हें एक मुठ्ठी च बनिया रखे। साड़ी भी इये कोशिश है सारे युवा रायपुर सभा की कि अस पूरे जम्मू की एक मुठ्ठी बनिए रखे और सारे का एक जुटता बनाइए रखे। धन्यवाद। इस वेले जिहड़े फॉर्मर प्रेसिडेंट ने वह सारे कन्ने ने युवा रायपुर सभा की क्या तैयारी ने? हमारा तो बोलबाला युवा राजपूत सभा में डंके की चोर में बजता रहा और आगे भी बजता रहेगा। और दूसरी बात, आज हमारे जो प्रधान है विक्रम सिंह जी, मैं डोगरी में बात करूं शायद आपको समझ आ जाएगी, अज जो सारे प्रधान होने ओहदे दिते न जो लगभग 25-30 जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मुड़े 55 जो डोडा किश्तवाड़ के हो
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਠੂਆ ਦੇ, ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ, ਪੁੰਛ ਦੇ, ਕਿਸਪਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੁਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਿੱਬੜ, ਇੱਕ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕ, ਇਹ ਵੀ ਐਮ ਐਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਦੇਣ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਆਖਣੇ ਆ ਡੋਗਰੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਕੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਤ ਰਾਵ ਦਾ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਭੈਣੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਦਾ ਮੰਤਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਆਣੀ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਮੰਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਦਾ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕੋਦੇ ਨਾ ਕੋਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਰ ਦਾ ਪਕੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤਾਨੀਆਂ ਖੜੋਈਓ। ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ 5 ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀ ਜਾਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਕਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਰੋਗੇ ਤੇ ਕੰਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਵਯ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਦੱਸੇਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਆਖੇਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧਾਂਬੜ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਜਣਾ ਤਵੀ ਵਾਲੇ ਪੂਲਾ ਵਰ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਟਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿੰਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੋਧਾ ਜਰਨਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਧਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੁੱਕਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਹਨ ਇੰਨਾ ਕਹੇਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਯੁਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸ ਆਖੀ ਸਨ ਕਿ ਬਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਤਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ 23 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਵ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦਾ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾਇਤਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। 18 ਤਰੀਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਸਟੈਚੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਚਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਖਨੂਰ ਖੋੜ ਪਾਇਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਵਾਲ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਆਈ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ 18 ਤਰੀਕ, ਇੱਕ 23 ਤਰੀਕ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਨਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੋਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ
सकते हैं कि आखिर यहाँ पर इनको ये जो पोस्ट मिली है उसको देखकर क्या सोचते हैं? यश, आपको आज ये जो पद सौंपा गया है उस पर आप क्या अपनी तरफ से एफर्ट जो है वो लगाने वाले हैं आने वाले समय में? जी, वासुदेव सिंह है मेरा नाम। यश माफ कीजिएगा, गलती से बोल दिया, तो वासुदेव सिंह जी। जी, जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, पिछले 8-10 साल से मैं सिपाही रहा हूँ युवा राजपूत सभा का और अपनी बिरादरी का। आज जो मुझे पोजीशन दी है, मैं समझता हूँ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज की डेट में हर युवा चाहेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी युवा है जो मेरे साथ जुड़ा है या जो भी जुड़ सकता है, चाहे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा तादाद में और बच्चे हैं जिनको हम आज ला नहीं पाए स्पेस की वजह से और शेड्यूल की वजह से। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन सभी युवाओं को जिनके अंदर जोर है, जिनके अंदर जोश है, एनर्जी है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें, युवा राजपूत सभा की जो सोच है उसके साथ जोड़ें, जम्मू की सोच के साथ जोड़ें, डोगरों की सोच के साथ जोड़ें और इसी सोच को आगे बढ़ाते चलें। साथ में आज जो युवा है, आज बेशक आप इनको एक एक करके देख रहे हो, मगर ये एक युवा चार के साथ टेलीकम्युनिकेट करता है। तो मेरी ये भी मैसेज रहेगा कि ये जितने युवा हैं आगे जाके इस आइडिया को प्रोपोगेट करें। जिस लड़ाई को हमने 10 साल लड़ा, जिस महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के लिए हम लड़े, आज वो हमें मिल चुकी है। हर साल हमें तभी वाले पुल पे जो स्टैचू पे जाते हैं, इस साल भी जाएंगे और त्यौहार की तरह हमारे महाराजा जी की जयंती मनाएंगे, क्योंकि एक छुट्टी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात ऐसी है कि एक आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट होता है, एक सोच होती है, और अगर ये छुट्टी आज हमें मिली है तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि कोई जम्मू के राजे की, महाराजा हरि सिंह जी की, जम्मू कश्मीर के राजे की, लास्ट हिंदू रूलर की भी छुट्टी जो है हमें लोगों को दी गई है। इस वक्त आपका नाम पहले जानना चाहूंगी। मेरा नाम है भारत सिंह चाड़क। चाड़क साहब, मुझे ये बताएं, हमने सुना है कि जिस तरह से पहले गब्बर के बारे में मावे जो है वो बच्चों को बोलती थी कि सोजा वरना गब्बर आ जाएगा, उसी तरह से युवा राजपूत सभा का नाम जो है वो सुनकर जो भ्रष्टाचारी है वो कामते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, इसमें इतनी सच्चाई है कि आप 23 सितंबर की छुट्टी देख सकते हो। छुट्टी के टाइम भी लोगों ने बोला था ये सिर्फ 10 दिन इकट्ठे होंगे, 15 दिन होंगे, इनको अब लाठियां पड़ गई, ये डर गए हैं या कुछ भी हो गया। लेकिन हमारे प्रधान साहब का एक डायलॉग आप सबको याद होगा, उन्होंने बोला था संजय दत्त बनते टाइम नहीं लगता, तो हम इन्होंने 23 का टाइम दिया था, अच्छा हो गया उससे पहले मिल गई, नहीं तो 23 को सभी संजय दत्त बन के ही आना था हमने। और जहां बात रही टोल की, टोल में हमारे जो हमारे प्रधान के साथ हमारी पूरी टीम थी, उनको जो वहां पे जेल में रखा गया सब कुछ, उसके पीछे कितना प्रोटेस्ट हुआ। लोग आज बातें करते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक दिन जेल में रह के बताएं। दूसरे जो बंदे बातें करते हैं, एक दिन जेल में रहना मुश्किल है, 10 दिन जिन्होंने काटी है उनको पता है कैसे काटी है उन्होंने। उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, दिन बोले दिन खड़े हैं, रात बोले रात खड़े हैं। जो बात आज टॉपिक इन्होंने छेड़ा हुआ, चलो स्टेट का इतना तो है ना, बात उठाते हैं और बात पे आते भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वहां से गिद्दड़ बबकी दे दी कि हम ये हैं वो हैं और एंड टाइम पे आके वो पीछे भाग जाएं, हम उनमें से नहीं है। हमारे अंदर जो खून है वो कल भी वही था, आज भी यही है और आगे आने वाले टाइम भी वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने देखा कि किस प्रकार युवा राजपूत सभा में एक के बाद एक ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है। ये रहे युवा राजपूत सभा में आए हुए नए युवा। आप लोग युवा राजपूत सभा को कैसे सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी सेवाराम के साथ 3 न्यूज जम्मू।